कोनिक सेक्शन में सर्कल्स की एनसीईआरटी जो है वो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं तो एग्जांपल सबसे पहला एनसीईआरटी का हम लोगों के पास गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर 0.0 एंड रेडियस तो आपको जो है वो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लो काफी सिंपल रहता है इमेजिन करके चीजों को करना और इस सर्कल का जो रेडियस है वो हम लोगों के पास आर गिवन है सेंटर जो है वो जीरो जीरो गिवन है और ये कोई पी पॉइंट है जिसकी क्वेश्चन जो है वो आपको निकालनी है तो हमेशा जब भी सर्कल की क्वेश्चन निकालनी है जो सर्कल पे लाई करने वाला पॉइंट है उसको एक्सकॉमा वाई जो है वो आप मान लो तो यहां पर जो है वो लगाओ सिंपल तरीके से तो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जो है वो वाई माइनस जीरो का स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो हम लोगों के पास आर के बराबर होगा जब मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो आर स्क्वायर के बराबर जो है वो हो जाएगा तो यहां से अगर मैं देखूं तो सर्कल की क्वेश्चन जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ये सर्कल ही है क्यों क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का दोनों बराबर हैं और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उस कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो वन के बराबर गिवन है और रेडियस जो है वो हम लोगों के पास यहां पर आर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर जीरो जीरो एंड रेडियस आर नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर मूविंग ऑन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल अब एक सर्कल की क्वेश्चन जो है वो आप निकालनी है अब इस पर्टिकुलर केस में जो है वह सेंटर हम लोगों के पास अलग से गिवन है अलग कितना सेंटर गिवन है माइनस थ्री कॉमा टू सेंटर गिवन है और रेडियस जो है वह हम लोगों के पास फोर गिवन है ऐसे क्वेश्चन में वट वी विल डू इज वी विल लेट अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई लाइंग ऑन द सर्कल हमने एक पॉइंट चूज कर लिया एक्स कॉमा वाई जो सर्कल के ऊपर जो है वो लाई कर रहा है अब यहां पर क्वेश्चन जो है वो डिस्टेंस फॉर्मुला लगाओ तो कैसे लगेगी एक्स माइनस ऑफ माइनस थ्री का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो मैं अप्लाई कर रहा हूं प्लस यहां का स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो हम लोगों के पास रेडियस के बराबर होगा विच इज इक्वल टू फोर स्क्वायरिंग बोथ साइड व्हाट वी विल गेट इज एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस y माइनस टू का

वो यहां पे फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड दिस दिसनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई plus 9 plus 4 minus 16 it is equal to 0 now x square plus y square plus 6y x minus 4y minus 3 that is equal to 0 is the standard equation of circle so this is what we have to फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री द रेडियस वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस टेन वाई माइनस एट दैट इज इक्वल टू जीरो क्वेश्चन को अप्रोच तो करने की अपने पास जो है वो दो स्टैंडर्ड तरीके हैं दोनों ही सही हैं। पहला तरीका मैं ऑलरेडी जो है वो अपने पिछले वीडियो लेक्चर में जो है कर हाफ कर तो करोगे तो आपके पास आ जाएगा फोर और इस क्विफिशियंट को फिर जो है वो माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो तो विच इज इक्वल टू माइनस फोर सिमिलरली माइनस फाइव विल बी फॉर द y ट तो यहां पे सेंटर जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के केस में जो है वो क्या हो जाएगा माइनस फोर कॉमा फाइव तो ये हम लोगों ने जो है वो कैसे फाइंड आउट किया हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट को इस्तेमाल करके जो है वो देखा कि एक्स का जो क्विफिशियंट है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर उस क्वेफिशंट का आप हाफ करके उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो वो सेंटर का एक्स कोर्डिनेट आ जाता है ऐसी जो y कोऑर्डिनेट है इस पर्टिकुलर केस में जैसे कि 10 है उसका हाफ कर दो तो 5 फिर उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस फाइव जो है वो हम लोगों के पास सेंटर जो है वो हो गया अब क्वेश्चन आता है रेडियस जो है वो अपने पास कैसे निकलता है तो रेडियस निकालने का क्या तरीका है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी तो यहां से रेडियस जो है वो कैसे निकलेगा G इज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो है वो अगर मैं G की बात करूं तो फोर का स्क्वायर फिर फाइव का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एट का अंडर रूट जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा तो सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस एट

फिर आप जो है वो वाई वाले इकट्ठे करो तो यहां पे जो है वो टेन वाई कर लिया माइनस यहां से हटा रहा हूं मैं माइनस और उसके बाद आप इसको अभी के लिए एट के बराबर जो है वो लिख दो ठीक है इस फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लो बेसिकली हम लोग ना कंप्लीटिंग स्क्वायर करने वाले हैं अब देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना है एक्स के कोशियंट का हाफ करो हाफ करो एट का हाफ करोगे कितना आएगा फोर फोर का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो मतलब यहां पे क्या करो सिक्सटीन ऐड कर दो इस पर्टिकुलर जगह पे और सिक्सटीन ऐड कर दो इस पर्टिकुलर जगह पे ताकि दोनों साइड इक्वेशन के अंदर जो है वो बराबर हो जाए क्या करना मैं फिर से जो है वो एक बार आपको यहां पे बता रहा हूं यहां पे एक्स के कोफिशियंट का हाफ किया था यहां वाई के कोफिशियंट का हाफ करो वाई के कोइफिशियंट का हाफ हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर होता है यहां पे फाइव के बराबर होगा तो फाइव का स्क्वायर जो है वो ऐड कर दो फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव अब यहाँ पे दोनों साइड पे फाइव का स्क्वायर जो है वो आपको ऐड करना है तो इट इक्वल टू फोर्टी नाइन तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन को जो है वो कंपेयर करो तो सेंटर इसमें हो गया माइनस फोर कॉमा माइनस फाइव ये पॉइंट हो गया एक्स कॉमा वाई और रेडियस जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो गया सेवन के जो है वो बराबर हो गया तो दोनों तरीके सही हैं। जो आपको अच्छा लगता है उससे जो है वो आप अप्रोच करो इससे चीजें सीधी दिख जाती है कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती यहां पे देख के ही जो है वो अगर आपके दिमाग में जो है वो चीजें बैठ गई हैं तो सिंपल आप बोलोगे कि यार एक्स के कोट का हाफ करना है माइनस फोर और यहां पे माइनस फाइव जो है वो सेंटर हो गया तो सेंटर आपका एकदम से जो है वो आ जाता है कई बार कंप्लीटिंग स्क्वायर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है वो हो जाता है इस पर्टिकुलर केस में जो है वो सिंपल था तो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको राइट हैंड साइड वाला पैटर्न जो है वो इस्तेमाल करना अगर बेसिक स्कूल लेवल पे आपको ये वाले क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना देन यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर मेथड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव कर रहा हूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट टू कॉमा टू एंड थ्री कॉमा फोर अब कोई सर्कल है हम लोगों के पास जो कि टू कॉमा टू से टू कॉमा माइनस टू से जो है वो पास कर रहा है और दूसरा कहां से पास कर रहा है थ्री कॉमा फोर से जो है वो पास कर रहा है और उस पर्टिकुलर सर्कल का जो सेंटर है वो किस लाइन पे लाई कर रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू पे जो है वो पर्टिकुलर सेंटर लाई कर रहा है अब मैं यहां पे बेटा जी सेंटर जो है वो क्या मान लेता हूं एच कॉमा के जो है वो मान लेता हूं अब यहां पे देखो आपको एक तो ये सेंटर से और यहां से सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ये दोनों डिस्टेंसेस रेडियस के ही बराबर जो है वो होंगे तो यहां से अगर हम लोग देखें तो क्या कि एच माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस थ्री का सॉरी k प्लस यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों के पास टू का स्क्वायर तो यहाँ पे k प्लस टू का स्क्वायर का अंडर रूट इज द डिस्टेंस ये वाला जो है, वो मैंने r1 ले लिया ये डिस्टेंस r1 का स्क्वायर के बराबर हो गया दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोगों के पास किसके बराबर हो गया r1 के बराबर जो है वो हो गया सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस r2 रेडियस टू यहां पे ये किसके बराबर होगा एच माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस हम लोगों के पास जो है वो k माइनस फोर का स्क्वायर प्लस यहां पे जो है वो k माइनस फोर का स्क्वायर का जो अंडर रूट है This is R2. अब देखो सर्कल का रेडियस तो बराबर ही हम लोगों के पास जो है वो होने वाला तो सर्कल का रेडियस अगर हम लोगों के पास बराबर होगा तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो हम लोगों के पास इक्वल होंगी दूसरा हम लोगों के पास क्या है कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो h प्लस के इज इक्वल टू टू तो k को हम लोग जो है वो क्या लिख सकते हैं टू माइनस एच जो है वो लिख सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर तो पहले तो इन दोनों को इक्वेट कर दो जब दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे तो यहां पे जो है वो मैं इसको एकदम सीधे तरीके से जो है वो इक्वेट कर रहा हूं स्क्वायरिंग करके जो है वो हम लोग इसको इक्वेट कर रहे हैं तो स्क्वायरिंग करके जो हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो एच माइनस टू का स्क्वायर प्लस के किसके बराबर है हम लोगों के पास टू माइनस एच तो ये हो गया टू माइनस एच प्लस टू का स्क्वायर इट इज इक्वल टू यहां पे क्या होगा एच माइनस थ्री का स्क्वायर यहां पे जो है वो इसकी वैल्यू एच माइनस थ्री के बराबर जो है वो हो जाएगी और प्लस के की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं टू माइनस एच जो है वो पुट कर रहे हैं तो टू माइनस एच माइनस फोर का स्क्वायर ये दोनों इक्वेशंस जो है वो बराबर होने वाली हैं तो यहां से सॉल्व करके जो है वो हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को h की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसको जो है वो सॉल्व कर लो तो ये हम लोगों के पास होगा क्या एच स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एच अब देखो इसको जो है वो मैं ऐसे लिख सकता हूं फोर माइनस एच का स्क्वायर इस पर्टिकुलर को ठीक है तो इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू सिक्सटीन प्लस एच स्क्वायर माइनस हम लोगों के पास क्या हो जाएगा एट एच के बराबर जो है वो हो जाएगा अब ये वाली लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी राइट हैंड साइड पे तो यहां पे देखो एच स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एच प्लस ये किसके बराबर है हम लोगों के पास h प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि देखो ये हो जाएगा माइनस एच माइनस टू का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एच के बराबर जो है वो हो जाएगा अब यहां से जो है वो काफी सारी चीजें कटने वाली हैं एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया ये वाले एच स्क्वायर से ये वाला एच स्क्वायर जो है वो हम लोगों के पास चला गया अब क्या करो आप जो भी एच वाले हैं वो एक साथ इकट्ठे कर लो यहां पे देखो एक और ये जो है वो दो तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो हम लोगों के पास क्या हो गया माइनस ट्वेल्व एच हो गया और कांस्टेंट जो है वो कितने हो गए फोर प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी तो यहां पे जो है वो हम लोगों के पास ट्वेंटी हो गया ऐसी राइट हैंड साइड पे देखो माइनस सिक्स एच प्लस फोर एच इज इक्वल टू यहां पर माइनस टू एच हो गया और यहाँ पे नाइन प्लस फोर जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर हो गया थर्टीन के बराबर जो है वो हो गया इसको इधर ले जाओ ठीक है और इस पर्टिकुलर को उधर ले आओ तो माइनस ट्वेल्व एच माइनस टू एच माइनस ट्वेल्व एच इधर जाके प्लस ट्वेल्व एच हो जाएगा और ये पूरा सॉल्व करके आ जाएगा टेन एच और यहाँ पे जो है वो हम लोगों के पास सेवन हो जाएगा तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू विल बी इक्वल टू सेवन बाय टेन अब सेवन बाय टेन हम लोगों के पास एच की वैल्यू आ गई के जो है वो हम लोगों के पास कैसे निकलेगा टू माइनस हम लोगों के पास क्या हो जाएगा सेवन बाय टेन तो ये थर्टीन बाय जो है वो हम लोगों के पास टेन जो है वो के की वैल्यू जो है वो हो जाएगी तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो आपको निकालनी थी इसके अंदर तो सेंटर जो है वो हम लोगों के पास सर्कल का आ गया तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी आपको सेंटर्स जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो है वो निकालने पता लग गए तो सेंटर हम लोगों के पास जो है वो हमारे पास यहां पे क्या क्या आ रहे हैं एक तो पॉइंट सेवन कॉमा वन पॉइंट थ्री जो है वो हम लोगों के पास सेंटर जो है वो हो गया अब सेंटर आपके पास आ चुका है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर जो है वो वैल्यू पुट करके आप जो है वो रेडियस की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ले। तो रेडियस जो है वो हम लोगों के पास कैसे निकलने वाला तो एच माइनस टू एच माइनस टू करोगे जब आप दिस इज एच माइनस जब आप टू करोगे तो जीरो पॉइंट सेवन माइनस टू का स्क्वायर प्लस यहां पे जो है k प्लस टू के प्लस टू इज हम लोगों के पास जो है वो वन पॉइंट थ्री प्लस टू का स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो हम लोगों के पास रेडियस के बराबर हो जाएगा तो यहां से जब आप वैल्यू सॉल्व करोगे तो इट विल बी इक्वल टू हम लोगों के पास ये हो जाएगा वन पॉइंट थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री पॉइंट थ्री का स्क्वायर का होल अंडर रूट जो है वो हो जाएगा इसको अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो हम लोगों के पास आर की वैल्यू जो है वो आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास 12.58 के बराबर जो है वो आ जाएगी तो अब सेंटर जो है आ गया रेडियस आ गया सर्कल की क्वेश्चन कैसे निकलेगी एक्स माइनस यहाँ पे 0.7 का स्क्वायर प्लस हम लोगों के पास वाई माइनस वन का स्क्वायर इट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12.58 तो ये जो है वो अपने पास सर्कल की इक्वेशन जो है वो बन गई तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है तो मतलब दो पॉइंट्स दे रखे थे पहले हमने सेंटर को H के मान के रेडियस कैलकुलेट कर लिया अब सर्कल का रेडियस तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा तो वहां से जो है वो हमने एच और के सेंटर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली क्योंकि अपने पास जिस लाइन के ऊपर जो है ये सेंटर कर रहा था उसकी इक्वेशन जो है वो गिवन थी तो इन वैल्यूज को सॉल्व करके जब सेंटर आ गया तो एक पर्टिकुलर इक्वेशन में हमने सेंटर की वैल्यू पुट करके रेडियस को फाइंड आउट कर लिया फिर हमने सिंपली एक्स माइनस का स्क्वायर वाई माइनस का स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर के बराबर पुट करके जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो फाइंड आउट कर ली नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम लोग इलेवन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे